और जहां फिल्म पद्मावत को लेकर संजय लीला भंसाली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के स्वागत में घूमर गाने ने खलल पैदा कर दिया। जी हां, आज बेंजामिन अपनी पत्नी सारा समेत अहमदाबाद पहुंचे थे, जहां उनका खुद पीएम मोदी ने न सिर्फ स्वागत किया बल्कि दोनों का भव्य रोड शो भी निकाला गया। इस बीच पीएम मोदी बेंजामिन और सारा को साबरमती आश्रम लेकर गए, जहां दोनों ने मोदी के साथ पतंगबाजी का लुफ्त भी उठाया। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने मीडिया से लेकर करणी सेना का ध्यान खींच लिया। दरअसल इजरायली पीएम के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल के एक बच्ची ने फिल्म पद्मावत के गाने घूमर पर नाचकर सबको चौंका दिया। आलम ये रहा कि घूमर गाने पर दी गई प्रस्तुति के बाद मध्य प्रदेश के स्कूल में जमकर बवाल मचा। वैसे तो भंसाली की फिल्म को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन बीजेपी शासित कुछ राज्यों में फिल्म को बैन कर दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है।